3 बजे इंस्पेक्टर साहब भी एप्लीकेशन दौड़ा रहा है वो। ठीक है दिए दिए। अब दरोगा साहब दिया था तो दिए थे, आप अखदा गांधी जी के नोट को पर्स में रखो, हैरान मत हो गए। अब दरोगा साहब को पहचान दो गए भैया, मसौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिलुकपुर चौकी बढ़ती है, वहीं के चौकी इंचार्ज है। चुलबुल पांडे के नाम से तो फेमस है हो गया, इतना फेमस हो कि क्या बताएं, सोशल मीडिया पर रिश्वत लेने वाला वीडियो वायरल हो गया। सियाराम वर्मा ने आरोप लगाया था कि देखो भाई देखो तिलुकपुर चौकी इंचार्ज कन्हैया पांडे हमसे रिश्वत लिए हैं, वो भी 10,000 रुपए। पर भैया इनकी जाँच शुरू हो गई, पहले इनको लाइन हाजिर कर दिया गया, उसके बाद जब जाँच शुरू हुई तो ऐसा मामला सामने की कार था, आप हैरान हो जाओगे। पर पहले सियाराम वर्मा की बातें सुन लो, जिसने आरोप लगाया था कि दरोगा साहब ने मुझसे 10,000 रुपए लिए थे, ठूस के लिए थे। आप सियाराम वर्मा, मेरा नाम है कन्हैया लाल पांडे, हमसे 35,000 रुपए मांगे थे, जिसमें 10,000 रुपए नगद दिया, जिसका साक्ष हमारे पास मौजूद है। सियाराम वर्मा तुम अपने साक्ष को एक बोरिया में भरो भैया, और किसी संदूक में जाकर के डाल दो या किसी नहरिया में जाके फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारे साक्ष का। यहाँ डिस्टर साहब ने जब जांच की भैया तो कन्हैया पांडे तो निर्दोष पाए गए, कन्हैया पांडे दूध के धुले निकले भैया। इतने ईमानदार आदमी की पूछो ना भैया, ये जो पैसा गिन रहे थे 200 की नोटें निकालते हैं और 100 की नोट निकालते हैं, ये चौकीदार भैया सतीश कुमार रावत को दे रहे थे कि लो पैसा लो और सब्जी ले आओ सिलेंडर भरवा दो। अब साहब अगर खाना पीने के लिए पैसा दे रहे थे, भोजन वोजन के लिए दे रहे थे, सिलेंडर भरवाने के लिए दे रहे थे, लेकिन हमको सामने बात नहीं आई, आप है बता दीजिएगा। वैसे भैया एडिसन साहब की रिपोर्ट में तो वो तो अच्छी बात निकली कि देखो साहब ईमानदार है, अब साहब ईमानदार है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको सिलेंडर बड़ा सस्ता मिलता है, देखो 500 रुपए दे रहे थे, अरे देना तो साहब कम से कम 1100-1200 लेते, और सब्जी का भी तो 100-150 रुपए लग ही जाता है, बड़ा सस्ता मिलता है भैया, चीज मंगवा रहे थे। वैसे हमारी बात चुभी तो नहीं, अगर चुभ गई तो माफ कीजिएगा, पर वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, शब मैं साहब को मिलेगी चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करा लो। वैसे भाई देखो जांच में बगदा निर्दोष पाएगा साहब, और तुम सियाराम वर्मा जाओ भैया जाओ, घर में बैठो तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, तुम कहते रह जाओगे और वीडियो वायरल करते रह जाओगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शम्मा साजू को भी मिलेगी।